एस्ट्रो लवर्स, ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। ऐसा कौन सा त्योहार है जिसे हर कोई मनाता है, जिसमें प्यार, स्नेह, उमंग उभर कर आता है? जी हाँ, ठीक सोचा आपने, मैं दीपावली की बात कर रहा हूँ। दीपावली का मतलब होता है दीपों की अवली यानी पंक्ति। दीपावली को अंग्रेजी में फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है। तो जिस त्योहार को सारा देश इतनी उमंग और प्यार से मनाता है, क्या आपको पता है वास्तुशास्त्र इस त्योहार के बारे में क्या कहता है? तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि दीपावली के इस पावन पर्व के दौरान वास्तुशास्त्र के कौन से नियम आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाएंगे। दीपावली दियों के बगैर अधूरी है, और वास्तुशास्त्र भी ये मानता है कि जब आप दिए जलाते हैं तो आपके घर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा आप पैदा करते हैं, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट करते हैं उस स्पेस में जहाँ पे दिए जल रहे हो, जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि दियों की संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दिए जलाएं तो हमेशा दियों को विषम संख्या में जलाएं, ऑड नंबर में दियों की फ्लेम्स को आप लाइट करें। इसका ये भी मतलब होता है कि दिए आपके घर के अंदर, चाहे वो चौखट पे जल रहे हो, चाहे वो खिड़की पे जल रहे हो, या चाहे वो मंदिर में जल रहे हो, उसकी कुल संख्या 1, 3, 5, 7, 9 होगी। ऑड नंबर में ही दिए जलाएंगे, इवन नंबर में यानी कि सम संख्या में दियों को आप कभी भी नहीं जलाएंगे। जब भी आप दिया जलाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि दियों की जो ज्योति है वो 2, 4, 6, 8, 10 कभी भी ना हो। इस प्रकार से आप दिए जलाते हैं, इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस व्हाइल लाइटिंग दियास, योर हाउस विल रेडिएट so much of positivity that it is beyond one's comprehension. वास्तु में मुख्य द्वार पर दिए जलाना ही काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बना रहे, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती रहे, तो दो तीन बातों का और भी ख्याल रखें। सबसे पहली बात यह है कि आपका मुख्य द्वार चरमराए ना। खासकर ये ख्याल रखें कि किसी भी प्रकार की कर्कश आवाज आपके मुख्य दरवाजे में से ना आए। वास्तु में इस दोष को स्वर दोष कहा गया है। तो अगर आपके दरवाजे में से किसी भी प्रकार की कर्कश आवाज आ रही है तो आप उसे लुब्रिकेट कर दें, तो इससे दरवाजे की मूवमेंट बहुत स्मूथ हो जाएगी और उसमें से किसी भी प्रकार की कर्कश आवाज नहीं आएगी। दहलीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे ट्रेडिशन में ये प्रथा रही है कि जब भी कोई अच्छा ओकेजन हो घर में तो दहलीज को पूजा जाता है। दीपावली में भी लोग दरवाजे के बाहर रंगोली बनाते हैं। दहलीज पे शुभ चिन्ह बनाना दीपावली में बहुत ही ज़रूरी है। आप स्वास्तिक बना सकते हैं, आप कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं दहलीज पे। इससे होगा ये कि आपके घर में जो आने वाली ऊर्जा है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि दहलीज नेगेटिव ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को इंस्टेंटली इमीडिएटली काट देगा। वास्तु की दृष्टि से और एक बात का जो ख्याल रखना चाहिए मुख्य द्वार पे, वो ये है कि दिवाली के समय में लोग हमेशा तोरण लगाते हैं, कई प्रकार के फूलों का हार लगाते हैं। आप तोरण बेशक लगाएं, हार बेशक लगाएं, लेकिन नकली फूल, आर्टिफिशियल फ्लावर्स बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आप गेंदे के फूल का कोई भी हार लगाएं, कोई भी तोरण लगाएं, लेकिन आर्टिफिशियल फ्लावर्स और आर्टिफिशियल प्लांट दरवाजे के इर्द गिर्द भी ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से जो सकारात्मक ऊर्जा हम घर के अंदर चाहते हैं या हम जिस सकारात्मक ऊर्जा को न्योता देते हैं, इन चीज़ों से वो सकारात्मक ऊर्जा कट जाती है और पूरा माहौल नेगेटिव, नकारात्मक हो जाता है।
ये तो हो गई आपके मुख्य द्वार की बात, यानी कि बाहर की बात। अब जब आप घर में आते हैं तो वास्तु की दृष्टि से, फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बनी रहे। आमतौर पे दिवाली के पहले या दिवाली के दौरान लोग घर की साफ सफाई करते हैं। ये क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब है, क्या आप जानते हैं इसके पीछे भी पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। हमारे बाप दादे आर एंसेस्टर्स वर वेरी इंटेलिजेंट। जब भी आप घर की साफ सफाई करते हैं तो वो ऊर्जा जो डोमेंट थी, जो कहीं पे डीएक्टिवेट होके घर के अंदर थी, वो वापस जागृत होती है। आप उस ऊर्जा को वापस एक्टिवेट करते हैं। जब हम साफ सफाई की बात करते हैं तो और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वास्तु में, वो है डीक्लटरिंग ऑफ स्पेस का। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कई चीज़ें हम संभाल के रखते हैं, चीज़ों का संग्रह करके रखते हैं, जिन चीज़ों को हमने कई सालों से उपयोग में नहीं लिया और लेंगे भी नहीं। आप जब ऐसी चीज़ों को घर के बाहर निकालते हैं, निकालने का मतलब ये होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जिसको उसकी ज़रूरत आपसे ज़्यादा है, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बरकरार रखते हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज़ पड़ी हो एक ही जगह पे सालों से, जिसका आपने बिल्कुल उपयोग नहीं किया हो, तो वहाँ पे स्टैग्नेशन ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है। तो इस दिवाली ऐसी हर चीज़ जो आपके उपयोग की नहीं है उसे दे दें। देने के दो फायदे हैं, एक आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बरकरार रहेगी, दूसरा आप पुण्य भी इकट्ठा कर लेंगे। तो जब आप घर की साफ सफाई करते हैं तो और एक बात का भी ख्याल रखें, अगर आपके घरों में कोई भी बिगड़ी हुई चीज़ यानी कि डिसफंक्शनल गैजेट्स पड़े हैं तो आप उसे तत्क्षण निकाल दें, इमीजिएटली उसको निकाल दें। मैं कई जगहों पे देखता हूँ कि लोग घर में बिगड़े हुए कंप्यूटर्स, लैपटॉप, डीवीडी प्लेयर्स, बिगड़ी हुई घड़ियाँ, जो सबसे खतरनाक मानी जाती हैं, ये सारी चीज़ों को इस दिवाली आप निकाल दें। जब भी किसी बिगड़ी हुई चीज़ को आपके घर में रखते हैं तो वहाँ की जो एनर्जी है उसे आप मूव नहीं होने देते, जिसे मैं स्टैग्नेशन ऑफ एनर्जी कहता हूँ। द फ्री मूविंग एनर्जी गेट्स कम्प्लीटली क्लॉग्ड और घर में पॉजिटिव एनर्जी अपने आप डिप्लीट होना चालू हो जाती है। तो डिसफंक्शनल गैजेट्स और बिगड़ी हुई चीज़ को इस दिवाली आप घर से निकाल दें। तो चलिए, आपने आपका घर तो वास्तु के हिसाब से बना भी लिया और सजा भी लिया। अब हम ऐसी बात की चर्चा करेंगे जिसके बगैर दिवाली अधूरी है और जिसका नाम सुनते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिफ्ट्स की। दिवाली में हमेशा से ये रिवाज रहा है, हमारा ट्रेडिशन रहा है कि हम एक दूसरे को भेंट देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। आपको जो उपहार मिलते हैं उस पर आपका कोई काबू नहीं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब आप किसी और को, अपने दोस्तों को, परिवार वालों को उपहार देते हैं तो इन चीज़ों को कभी भी ना। आमतौर पे लोग कटलरी सेट देना पसंद करते हैं दिवाली में। कटलरी सेट को कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वास्तु की दृष्टि से कोई भी ऐसी चीज़ जो नुकीली है, एनीथिंग विच इज़ पॉइंटेड, क्रिएट्स नेगेटिव एनर्जी। तो जब भी आप किसी को कटलरी सेट देते हैं तो आप उसकी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जी लाने में इंस्ट्रूमेंटल बन जाते हैं, आप निमित्त बनते हैं। तो कटलरी सेट को कभी भी ना। दूसरा जो सबसे ज़्यादा दी जाती है और ली भी जाती है वो है घड़ियाँ। अब घड़ी को हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में नेगेटिव माना गया है। इट इज़ एक्चुअली अ बैड ओमेन। वन शुड नेवर गिफ्ट वॉचेस और वॉल क्लॉक्स। The moment you do that, there are chances that you might strain your relationship with the other person.
तो आप जब भी किसी को घड़ी देते हैं या घड़ी रिसीव करते हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उस व्यक्ति के साथ, उस इंसान के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो इस दिवाली इस बात का भी ख्याल रखें कि आप घड़ी किसी को गिफ्ट में ना दें, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है तो कई सालों से ये प्रथा रही है कि लोग एक दूसरों को दिए भी गिफ्ट करते हैं। आजकल कैंडल्स गिफ्ट करना एक ट्रेंड सा बन गया है, लोग कैंडल्स भी गिफ्ट करते हैं। लेकिन कैंडल्स और दिए, ये दोनों गिफ्ट में देना बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है आपकी रिलेशनशिप के लिए। तो दिवाली में आप ऐसी गिफ्ट्स किसी को ना दें जो अग्नि का प्रतीक हो या जो फायर को सिंबलाइज करती है। तो इस बात का खास करके ख्याल रखा जाए कि इस दिवाली आप दिए, कैंडल्स और कोई भी नुकीली चीज गिफ्ट में, भेंट में नहीं देंगे। हम जब भी किसी को गिफ्ट देते हैं तो हमारा जो तात्पर्य होता है वो ये होता है कि हमारी रिलेशनशिप, हमारे रिलेशंस उस व्यक्ति, उस इंसान के साथ स्ट्रांग हो और जिंदगी भर वैसे ही बने रहें। जब भी आप ऐसी चीज़ों को गिफ्ट में देंगे तो वो आपकी रिलेशनशिप को बहुत ही बैडली डैमेज करते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वास्तु के इन सारे नियमों की जो हमने आपके साथ चर्चा की, इसका आप भरपूर उपयोग करें, आपके जीवन में इन प्रिंसिपल्स को आप इनकॉर्पोरेट करें। इससे ना ही आपके घर में खुशियां रहेगी बल्कि आपका जो आने वाला साल है वो भी मंगलमय रहेगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी वास्तु के नियम हमने आपको बताए हैं, जिन नियमों की हमने आपके साथ इतने विस्तार से चर्चा की है, उसको आप अपनी निजी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करें, उसका उपयोग करें, जिससे कि ना ही आपकी दिवाली बल्कि आने वाला साल भी मंगलमय। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, Dish TV और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।